पूरे हिंदुस्तान में 3,65,000 अंग्रेज मारे गए, कुछ दो चार अंग्रेज जिंदा बच गए, वो भागकर किसी तरह से लंदन पहुंच गए। और वो भागे भी कैसे, उन्होंने अपने पूरे शरीर को काला किया ताकि वो भारतवासी लगे, चेहरे को काला किया, शरीर को काला किया, किसी तरह जिंदा बचने के लिए। और वो किसी तरह युक्ति लगा के भाग गए। वहां भागकर अंग्रेजों की संसद में उन्होंने सारी कहानी सुनाई कि भारत में तो विद्रोह हो गया, बगावत हो गई। तो अंग्रेजों की संसद में सबसे बड़ा प्रश्न आया कि आगे कभी भी ऐसा कोई विद्रोह ना हो भारतवासियों में, तो इसके लिए क्या क्या करना, दोबारा कभी भी ऐसा विद्रोह ना हो। तो कई अंग्रेजों ने अपने प्रधानमंत्री को कहा, जो उस समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, उसको पूछा गया कि क्या क्या करना फिर इसके लिए। तो प्राइम मिनिस्टर को एक तो यह पूछा गया कि हम तो अंग्रेज खत्म हो गए भारत में, तो उसने कहा चिंता मत करो, दोबारा हम फिर भारत में जाएंगे और भारत में हमारे कुछ मित्र और दोस्त हैं, उनकी मदद से भारत में फिर प्रवेश करेंगे। तो उनके मित्र और दोस्त कौन, हमारे लिए जो गद्दार वो अंग्रेजों के मित्र और दोस्त। आपको मालूम है इस हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कई परिवारों को राय बहादुर की पदवियां दे रखी थी। ये सारे के सारे राय बहादुर देश के गद्दार साबित हुए, सर भी देते थे, सर की पदवी, राय बहादुर की पदवी, नाइटहुड की पदवी, ये पदवियां लेने वाले सारे खानदान गद्दार निकले। उन्होंने अंग्रेजों की भरपूर मदद की। सबसे बड़ा परिवार जिसने अंग्रेजों की मदद की 1857 की बगावत के बाद, पटियाला का परिवार जो आज भी जिंदा है, और उसी परिवार का एक आदमी मुख्यमंत्री बनता रहता है पंजाब का। बहुत शर्म आती है मुझे पटियाला वालों को ये कहते हुए, हमारे कुछ मित्र बैठे हैं यहां पटियाला के, पटियाला के नवाब खानदान ने, राजा खानदान ने 1857 की क्रांति के बाद क्रांतिकारियों की मदद नहीं की, अंग्रेजों की मदद की। और उन्होंने एक पत्र भेजा जिसकी फोटोकॉपी कभी भी मैं पूरे देश को दिखाऊंगा। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि आप चिंता मत करिए, अंग्रेजों को कहा आप चिंता मत करिए, वापस भारत में आइए, मैं आपको 20,000 सैनिक दूंगा और 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, आप फिर भारत में आकर अपना राज्य स्थापित करिए। तो पटियाला के नवाब के कहने पर अंग्रेज आ गए। इसी तरह जींद का एक नवाब था, हरियाणा में जींद राज्य था, वहां के नवाब ने अंग्रेजों की मदद की। फिर ग्वालियर का ये जो खानदान है, सिंधिया खानदान, इसने अंग्रेजों की मदद की। ऐसे भारत में एक सालार जंग खानदान है वहां का, हैदराबाद का, जिसको निजाम कहते थे हैदराबाद का, उसने मदद। ऐसे 10-12 बड़े परिवार थे जिन्होंने करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं अंग्रेजों को दी और अपने सैनिक भी दिए लड़ने को। तो उनकी मदद से अंग्रेजों ने वापस हिंदुस्तान में प्रवेश किया और क्रांतिकारियों का कत्लेआम किया। फिर 1 सितंबर 1857 से लेकर 1 नवंबर 1858 तक हिंदुस्तान के करीब करीब 7.5 लाख से ज्यादा क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने कत्ल कर दिया। और कैसे कत्ल किया, एक बिठूर नाम का छोटा सा शहर है कानपुर के नजदीक, वहां के दो बड़े क्रांतिकारी थे इस देश में, नाना साहब पेशवा और तांत्या टोपे। ये दोनों क्रांतिकारियों के शहर के 24,000 लोगों को गोली से मार दिया या तलवार के मौत की घाट उतार दिया अंग्रेजों। 3 महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक सबको खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। अपराध क्या था उनका, कोई अपराध नहीं था, बस एक ही अपराध था कि वो तांत्या टोपे और नाना साहब पेशवा के शहर में रहते थे। तो अंग्रेज कहते थे ये सब बगावत करेंगे और क्रांतिकारी बनेंगे, इसलिए सबको कत्लेआम करो। और ये कत्लेआम अंग्रेजों ने भारत के पटियाला नवाब माने पटियाला राजा, जींद का राजा, ग्वालियर का सिंधिया खानदान, इनके सैनिकों की मदद से किया था। और ये सारे कत्लेआम पूरे देश में हुए। अंग्रेजों की सरकार फिर स्थापित हो गई। फिर अंग्रेजों की सरकार जब स्थापित हुई तो क्वीन विक्टोरिया ने एक ऐलान किया। 1 नवंबर 1858 को वो ऐलान भारत के बड़े बड़े अखबारों में छपा। उस जमाने में अंग्रेजी कोई अखबार निकलते थे उनमें छपा। उस ऐलान में कहा गया कि आज के बाद भारत में कंपनी की सरकार नहीं चलेगी, कानून की सरकार चलेगी। माने 1 नवंबर 1858 तक कंपनी की सरकार चलती थी, कंपनी माने ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर कानून की सरकार चलेगी, लेकिन वो कानून कौन बनाएगा,
वो कानून अंग्रेजों की संसद बनाएगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगी और उसके आधार पर ये देश चलाया जाएगा। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए बहस क्या हुई? ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस ये हुई कि कानून ऐसे बनाए जाने चाहिए कि सारे भारतवासी कभी भी दोबारा से खड़े ना हो सकें और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत ना कर सकें। तो सबसे पहला कानून बनते हैं क्या आया? सबसे पहला कानून, आपको हैरानी होगी जानकर, अंग्रेजों के खिलाफ जो बगावत हुई थी वो सशस्त्र बगावत थी, उसमें हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। अंग्रेजों ने सबसे पहला कानून बनाया कि भारत में हथियार वही रख सकेगा जिसके पास लाइसेंस होगा, लाइसेंस जिसके पास नहीं होगा वो हथियार रखने का अधिकारी नहीं होगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, लाइसेंसिंग ऑफ आर्म्स एक्ट, ये पहला कानून बनाया। और इस कानून के आधार पर क्या किया गया, घर घर की तलाशियां ली गई, किसके घर में बंदूक है, किसके घर में हसिया है, छुरा है, चाकू है, क्या क्या हथियार है, वो सब अंग्रेजों ने छीन लिए, क्योंकि अंग्रेजों को डर था इन्हीं हथियारों की मदद से भारतवासी दोबारा फिर बगावत कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लाइसेंसिंग ऑफ आर्म्स एक्ट बना के हथियार छीनने का कानून बनाया। और एक बार भारतवासियों के हथियार छीन गए तो भारतवासी कमजोर हो गए और वो कमजोरी इतनी भारी पड़ी कि अगले 90 साल तक फिर अंग्रेजों की गुलामी हमें सहन करनी पड़ी। ये एक कानून बनाया उन्होंने। ये कानून दुर्भाग्य से आजादी के 62 साल के बाद भी अभी चल रहा है इस देश में। मालूम है, हथियार वही रख सकता है जिसके पास लाइसेंस हो सकता है, और लाइसेंस देने का काम सरकार करती है। पहले काले गोरे अंग्रेजों की सरकार वो काम करती थी, अब काले अंग्रेजों की। लेकिन आजकल आजकल ऐसा दूसरा होता है राजीव भाई, शरीफ आदमी लाइसेंस लेकर के हथियार खरीदता है और जो गुंडा होता है वो बिना लाइसेंस वाला। तो अब उल्टा चल रहा है। तो एक कानून की मैंने मिसाल दी, दूसरा एक कानून अंग्रेजों ने बनाया, इंडियन पुलिस एक्ट। पुलिस एक्ट बनाया वो ये कि हर भारतवासी कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ ना करे, उसको मार कर, पीट कर, दबा कर, कुचल कर, कंट्रोल करने के लिए एक एजेंसी चाहिए। तो पुलिस नाम की एक व्यवस्था उन्होंने खड़ी की। आपको मालूम है 1858 से पहले इस देश में कोई पुलिस नहीं थी, किसी भी राजा ने पुलिस नहीं रखी, आर्मी रखी, सेना होती थी, पुलिस नहीं होती थी, क्योंकि पुलिस की जरूरत नहीं थी। अपने ही लोगों को मारना, पीटना, दबाना, धमकाना ये कौन करता है? कोई राजा अपनी प्रजा को ये अत्याचार करेगा? लेकिन अंग्रेजों ने पुलिस बनाई जिसका नाम रखा इंडियन पुलिस एक्ट, और उसमें जो आधार दिया वो ये कि हर पुलिस वाले को राइट टू ऑफेंस होगा, किसी भी भारतीय नागरिक को राइट टू डिफेंस नहीं होगा। माने कोई भी अंग्रेज पुलिस अधिकारी किसी भी दिन गला पकड़ के आपको लाठी से मारने लगे तो आपको लाठी पकड़ने का भी अधिकार नहीं होगा, आप सिर्फ पिटते रहिए। और अगर उस पुलिस अधिकारी की लाठी आपने पकड़ ली अपना डिफेंस करने के लिए तो केस आपके खिलाफ बनेगा कि अंग्रेज अधिकारी को ड्यूटी करने से आपने रोका। जानते हैं आप, यही राइट टू ऑफेंस वाला कानून, इंडियन पुलिस एक्ट वाला, आजादी के 62 साल के बाद भी अभी भी चल रहा है। अंग्रेजों ने ऐसे ही एक कानून बनाया, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। हमारे यहां ग्राम पंचायतें होती है ना, पहले वो काम करती थी, सरपंच होता था, गांव का प्रमुख होता था, पंचायत उसके साथ काम करती थी। जो जो काम ग्राम पंचायत करती थी, कभी जरूरत पड़े तो टैक्स लगाना, जरूरत पड़े तो उसको गांव के विकास के लिए खर्च करना, वो सारे अधिकार छीन कर एक कलेक्टर को दे दिए गए। और उस पोस्ट को डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं। और ये जिस कानून के तहत हुआ वो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, वो कानून वैसे का वैसा ही चल रहा है।